दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे करंट के कुछ क्वेश्चन को मेरे प्यारे मित्रों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हमारा सेशन है मेरे प्यारे मित्रों करंट अफेयर का मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम पढ़ाएंगे स्पोर्ट्स से करंट अफेयर मेरे प्यारे मित्रों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो पहला सेशन आज हमारा है करंट अफेयर का मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि करंट से आपको डेली अपडेट रहना है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आज हम आप लोगों को करंट का फर्स्ट सेशन लेके आए हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में हमारा यह सेशन व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो जो भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बेल आइकन की घंटी प्रेस करके आप जो है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए मेरे प्यारे मित्रों, और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन को मेरे प्यारे मित्रों। तो अपडेट रहिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तो स्पोर्ट में मेरे प्यारे मित्रों करंट अफेयर में मेरे प्यारे मित्रों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे करंट अफेयर मेरे प्यारे मित्रों। क्लास है हमारा फर्स्ट, जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन सेशन है हमारा यह स्पोर्ट्स से संबंधित मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्पोर्ट्स से संबंधित खेल रत्न पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों, खेल से संबंधित पुरस्कार जो दिए गए हैं 2023 के, उससे कुछ क्वेश्चन को हम लेके आएंगे लाए हैं मेरे प्यारे मित्रों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तो खेल रत्न पुरस्कार 2023 किन किन को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए आप लोग। खेल रत्न पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों, पुरस्कार 2023 का पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों किन किन लोगों को मिला है। खेल रत्न पुरस्कार 2023 स्पोर्ट्स से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों। स्पोर्ट्स से खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस किस को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। खेल पुरस्कार 2023 मेरे प्यारे मित्रों, चलिए आप लोगों को हम जो है मेरे प्यारे मित्रों खेल पुरस्कार 2023 मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन को बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, सेशन से लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे प्यारे मित्रों, बेहतरीन सेशन है, एकदम एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं स्पोर्ट्स से, ये मेरा वादा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए तो आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ गए होंगे, खेल पुरस्कार 2023 किन किन क्षेत्रों में दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जुड़े रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों किसे दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों किन लोगों को दिया गया है। तो वो दो लोग हैं मेरे प्यारे मित्रों मेजर खेल रत्न पुरस्कार 2023, आंसर आप लोग नोट करिए किन दो लोगों को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। तो वो दिया गया है चिराग और सात्विक को, नोट करिए आप लोग, चिराग और सात्विक, चिराग और सात्विक को मेरे प्यारे मित्रों। चलिए
चिराग और सात्विक को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों चिराग और सात्विक को दिया गया है, ये बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको आप लोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछेगा कि खेल रत्न पुरस्कार किन दो लोगों को दिया गया है तो चिराग और सात्विक। बैडमिंटन के लिए मेरे प्यारे मित्रों इन लोगों को आप लोग हमेशा अपडेट रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन हम आज आपको लेके आए हैं। पहला देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, चिराग और सात्विक को बैडमिंटन के लिए मेरे प्यारे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों, द्रोणाचार्य पुरस्कार आप लोग नोट करिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मेरे प्यारे मित्रों, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों किन लोगों को दिया गया है आप लोग नोट करिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों ललित कुमार को दिया गया है। ललित कुमार इनको कुश्ती के लिए दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। 2023 का पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ललित कुमार कुश्ती के लिए दिया गया है। चलिए ललित कुमार को कुश्ती के लिए दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट करिए। आरबी रमेश को दिया गया है, आरबी रमेश को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। इनको किसके लिए दिया गया है? इनको शतरंज के लिए दिया गया है, शतरंज, इनको शतरंज के लिए दिया गया मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इनको शतरंज के लिए दिया गया है। महावीर प्रसाद सैनी को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, महावीर प्रसाद सैनी को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। ये किसके लिए दिए गए हैं मेरे प्यारे मित्रों? इनको किसके लिए दिया गया है? महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स के लिए, पैरा एथलेटिक्स मेरे प्यारे मित्रों, लेटिक्स, महावीर प्रसाद सैनी को दिया गया है। पहला है ललित कुमार, दूसरा है आरबी रमेश, तीसरा है महावीर प्रसाद सैनी, पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनको जो है नोट करके चलिए। शिवेंद्र सिंह को दिया गया है, चौथा दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, शिवेंद्र सिंह को दिया गया है, इनको हॉकी के लिए दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनको हॉकी के लिए दिया गया है। गणेश प्रभाकर को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए, गणेश प्रभाकर को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, इनको नोट करिए, गणेश प्रभाकर मेरे प्यारे मित्रों, गणेश प्रभाकर देव रुखकर मेरे प्यारे मित्रों, इनको दिया गया है मलखंभ के लिए मेरे प्यारे मित्रों, इनको दिया गया है मलखंभ। चलिए तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 9 जनवरी को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चिराग और सात्विक को बैडमिंटन के लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है ललित कुमार कुश्ती के लिए, और आरबी रमेश शतरंज को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, आरबी रमेश को शतरंज के लिए दिया गया है, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए, और शिवेंद्र सिंह को दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों हॉकी के लिए, और पांचवा मेरे प्यारे मित्रों गणेश प्रभाकर देवरुखकर को दिया गया, देवरुखकर मलखंब के लिए मेरे प्यारे मित्रों दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इसलिए आप जो है लास्ट तक सेशन को वॉच करिए। स्पोर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों छूटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है।
तो आप लोग लास्ट तक बने रहे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, करंट अफेयर के सवालों को हम छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को पूरा करके ही, मेरे प्यारे मित्रों, पूरा करके ही बताएंगे। इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे सेशन में लास्ट तक मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, अगर नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मेरे प्यारे मित्रों दो लोगों को दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, दो विजेता है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी, मेरे प्यारे मित्रों, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी मेरे प्यारे मित्रों, नियमित श्रेणी ये 5 लोगों को दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये 5th लोगों को दिया गया है, ललित कुमार को, आरबी रमेश को, और महावीर प्रसाद सैनी, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर देवरुखकर को दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे मित्रों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए आप लोग हेडिंग, ध्यानचंद पुरस्कार क्वेश्चन नंबर है, ध्यानचंद पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों, ध्यानचंद पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ी को मिला मेरे प्यारे मित्रों, किसे मिला ध्यानचंद पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों 2023 किसे मिला मेरे प्यारे मित्रों। तो नोट करिए आप लोग, ध्यानचंद पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों 3 खिलाड़ी को मिला है। तो वो 3 खिलाड़ी कौन से है मेरे प्यारे मित्रों? ध्यानचंद पुरस्कार मंजूषा कंवर को मिला है, फर्स्ट है मंजूषा कंवर को मेरे प्यारे मित्रों, मंजूषा कंवर फर्स्ट है मेरे प्यारे मित्रों, मंजूषा कंवर को मिला है। और सिकंड है ध्यानचंद पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मंजूषा कंवर को मिला है, ये इनको मिला है बैडमिंटन के लिए, इनको मिला है मेरे प्यारे मित्रों बैडमिंटन में मिला है इनको मेरे प्यारे मित्रों। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और विनीत कुमार शर्मा को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, दूसरा मिला है विनीत कुमार शर्मा को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, इनको मिला है हॉकी के लिए, इनको मिला है मेरे प्यारे मित्रों हॉकी के लिए, हॉकी के लिए विनीत कुमार शर्मा को मेरे प्यारे भाइयों बहनों मिला है हॉकी के लिए। तो ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। कविता सेल्वराज को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, तीसरा है कविता सेल्वराज को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, कविता सेल्वराज को मिला है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इनको कबड्डी के मिला लिए मिला है, कबड्डी इनको कबड्डी के लिए मिला है मेरे प्यारे मित्रों। तो 3 खिलाड़ी को मेरे प्यारे मित्रों, ये 3 लोगों को मिला है ध्यानचंद पुरस्कार 2023, मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए मिला है, और विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए मिला है मेरे प्यारे मित्रों, और कविता सेल्वराज को मिला है कबड्डी के लिए मेरे प्यारे मित्रों। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट लगा के चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं,
चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मौलाना आजाद ट्रॉफी, मेरे प्यारे मित्रों आजाद ट्रॉफी 2023, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किसे मिला मेरे प्यारे मित्रों? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय मेरे प्यारे मित्रों, एक ये हो गया अमृतसर समग्र विजेता विश्वविद्यालय, अमृतसर नोट करिए, अमृतसर समग्र विजेता, अमृतसर समग्र विजेता विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चलिए, अमृतसर समग्र विजेता विश्वविद्यालय मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे मित्रों, लवली लवली प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मेरे प्यारे मित्रों, प्रोफेशनल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे मित्रों, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे मित्रों, पंजाब, पंजाब मेरे प्यारे मित्रों, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, रनर अप, रनर मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए आप लोग, प्रथम रनर अप, प्रथम रनर अप यहां पर है मेरे प्यारे मित्रों, प्रथम रनर अप। चलिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम रनर अप के लिए मेरे प्यारे मित्रों, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वितीय रनर अप, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वितीय रनर अप, यहां पर नोट करिए, द्वितीय रनर अप। चलिए, तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर समग्र विजेता विश्वविद्यालय, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम रनर अप, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वितीय रनर अप को मिला है मेरे प्यारे मित्रों। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, इसको मिटा देते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम चलते हैं द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों, अब हम चलते हैं अर्जुन पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है, तो यहां पर लिखिए अर्जुन, अर्जुन पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों 2023 कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को मिला है। तो अर्जुन पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों 2023 कितने लोगों को मिला है, तो ये मिला है मेरे प्यारे मित्रों 26 लोगों को मिला है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार मेरे प्यारे मित्रों 26 खिलाड़ी को मिला है, अंग्रेजी
आंसर होगा इसका मेरे प्यारे मित्रों 26 खिलाड़ी। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ी को मिला मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए हम लिखा देते हैं 26 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। मोहम्मद शमी क्रिकेट में मिला है, चलिए मोहम्मद मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी क्रिकेट में मिला है मेरे प्यारे मित्रों, इनको क्रिकेट के लिए मोहम्मद शमी को। और दूसरा नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, ओजस प्रवीण को मिला है, ओजस प्रवीण देवताले, ओजस प्रवीण देवताले को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, ओजस प्रवीण देवताले, ओजस प्रवीण देवताले को मिला है मेरे प्यारे मित्रों। और आदिति गोपीचंद, और आदिति आदिति गोपीचंद को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, गोपी चंद, और आदिति गोपीचंद को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, आदिति गोपीचंद स्वामी को, स्वामी इनको मेरे प्यारे मित्रों तीर अंदाजी में मिला, तीर अंदाजी, तीर अंदाजी में मिला है मेरे प्यारे मित्रों, तीर अंदाजी में। तो इन क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिए। मुरली श्री शंकर व पारुल चौधरी को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, मुरली, तीसरा नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, मुरली 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 शिव शंकर, नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मुरली श्री शंकर व पारुल, मुरली श्री शंकर वा पारुल, मुरली श्री शंकर वा पारुल को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, पारुल चौधरी, पारुल चौधरी को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, इनको किसके लिए मिला है, पारुल चौधरी इनको मिला है एथलीट एथलेटिक्स के लिए मेरे प्यारे मित्रों, एथलेटिक्स के लिए। चलिए ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए एथलेटिक्स के लिए मिला है मेरे प्यारे मित्रों, और मोहम्मद हुसामुद्दीन को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, मोहम्मद हुसामुद्दीन, हुसामुद्दीन को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, इसको भी आप लोग नोट करिए। मोहम्मद हुसामुद्दीन को मिला है मुक्केबाजी के लिए, मुक्केबाजी के लिए मेरे प्यारे मित्रों, मोहम्मद हुसामुद्दीन को मिला है मुक्केबाजी के लिए। आर वैशाली को मिला है शतरंज के लिए मेरे प्यारे मित्रों, आर वैशाली को मिला है मेरे प्यारे मित्रों शतरंज, शतरंज के लिए आर वैशाली को मिला है मेरे प्यारे मित्रों शतरंज के लिए। अनुष अग्रवाल व दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है, अनुष अग्रवाल, अग्रवाल व दिव्य कीर्ति, अनुष अग्रवाल व दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। घुड़सवारी के लिए इनको मिला है मेरे प्यारे मित्रों, घुड़सवारी के लिए, चलिए इनको मिला है घुड़सवारी के लिए। दीक्षा डागर को मिला है मेरे प्यारे मित्रों गोल्फ के लिए, दीक्षा डागर को मिला है मेरे प्यारे मित्रों गोल्फ के लिए, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों, और नाम हम आप लोगों को नोट करा दे रहे हैं। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम लेते हैं। चलिए जो 26 नाम है मेरे प्यारे मित्रों, हम वो 26 नाम आप लोगों को नोट करा दे रहे हैं। दीक्षा डागर गोल्फ के लिए मिला है कृष बहादुर पाठक व सुशील चालू को, कृष बहादुर नोट करिए आप लोग, कृष बहादुर पाठक,
वह मीरा चानू को मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, कृष बहादुर पाठक व सुशीला चानू है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये है सुशीला चानू, सुशीला चानू, सुशीला चानू को मिला है मेरे प्यारे मित्रों हॉकी के लिए, इनको मिला है हॉकी के लिए। बने रहिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक, हम स्पोर्ट्स के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। पवन कुमार व ऋतु नेदू को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए, पवन कुमार व ऋतु नेगी को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, इनको मिला है कबड्डी के लिए, इनको मिला है मेरे प्यारे मित्रों कबड्डी के लिए, तो आप लोग इनको नोट करिए, कबड्डी के लिए इनको मिला है पवन कुमार व ऋतु नेगी को। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नोट करते हैं आप लोग क्वेश्चन को, चलिए, नसरीन को मिला है मेरे प्यारे मित्रों खो खो के लिए, नसरीन, नसरीन को मिला है मेरे प्यारे मित्रों खो खो के लिए, खो खो के लिए नसरीन को मिला है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे मित्रों पिंकी को लान बाल्स के लिए मिला है, पिंकी लान बाल्स के लिए, चलिए ये हो गया, पिंकी को लान बाल्स के मिलिया ले मिला है मेरे प्यारे मित्रों ईश्वर प्रताप सिंह तोमर, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर को मिला है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर व ईशा सिंह को मेरे प्यारे मित्रों निशानेबाजी के लिए मिला है अर्जुन पुरस्कार, और हरजिंदर पाल सिंह संधू को स्कवॉश के लिए मिला है मेरे प्यारे मित्रों, अहिका मुखर्जी को मिला है मेरे प्यारे मित्रों टेबल टेनिस के लिए। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट खिलाड़ी का नाम आप लोग देखिए, सुनील कुमार व अंतिमा पंघाल को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, सुनील कुमार नोट करिए आप लोग, सुनील कुमार व अंतिमा अंतिमा पंघाल को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए आप लोग, सुनील कुमार व अंतिमा अंगार इनको मिला है मेरे प्यारे मित्रों कुश्ती के लिए मिला है मेरे प्यारे मित्रों, सुनील कुमार व अंतिमा पंघाल को मिला है कुश्ती के लिए। नाओ रेम को मिला है, नाओ रेम को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, नाओ ओरेम को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, रेसी बिना, नाओ रेम रेसी बिना, चलिए नाओ रेम ऋषि बिना को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, वा देवी वुसु, चलिए वा देवी वुसु को मिला है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी में मिला है, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर दिए, शीतल देवी को मिला है पैरा तीरंदाजी में मेरे प्यारे मित्रों। चलिए और इलूरी अजय कुमार रेड्डी को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, इलूरी अजय कुमार रेड्डी मेरे प्यारे मित्रों, इलूरी अजय कुमार रेड्डी को मिला है दृष्टि बाधित क्रिकेट के लिए। चलिए मिला है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, प्राची यादव को मिला है मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची यादव को मिला है पैरा
कैनोइंग के लिए मेरे प्यारे मित्रों प्राची यादव को मिला है पैरा कैनोइंग, तो इसलिए आप लोग जितना भी हमने नाम लिखाया है मेरे प्यारे मित्रों, एक भी नाम छूटा नहीं है स्पोर्ट से। जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 दिए गए हैं, 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों 2023 का, वो हमने आप लोगों को नोट करके बता दिया कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, किस चीज में मिला है, कुश्ती के लिए मिला है, क्रिकेट के लिए मिला है, क्रिकेट में किसको मिला है, हमने आप लोगों को 26 अर्जुन पुरस्कार आपको बता दिए। इसलिए आप लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से नोट करा दिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस 2024 मनाया गया है 9 जनवरी को। और हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो वो बनी है मेरे प्यारे मित्रों बांग्लादेश की। तो इसलिए आप लोग जो है नोट करके रखिए और अपडेट रहिए करंट अफेयर के क्वेश्चनों से मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको पूरा नंबर देके जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों एग्जाम में, अगर आप डेली इनसे अपडेट रहेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। हम ऐसे ही आप लोगों को करंट अफेयर की क्लासे भी मेरे प्यारे मित्रों देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेशन में हल कराएंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा मेरे प्यारे मित्रों तो वीडियो को एक लाइक करिए, माँ वैष्णो टीचिंग चैनल को, माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे मित्रों, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों और एकदम स्ट्रांग तरीके से तैयारी करने के लिए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए। हमारा मेरे प्यारे मित्रों हमारे सेशन सभी आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों कोई पेड कोर्स नहीं है, आप लोग फ्री में वॉच करिए और माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ते रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए।